सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, वेलकम बैक टू द एक्सप्लोरेशन हब। एंड आज हम लोग जा रहे हैं रक्षाबंधन का ब्लॉग शूट करने। सो हमें आज दिव्यांश तिवारी ने ज्वाइन करा है और आज मैं जा रहा हूँ मेरी नानी के घर मेरी मम्मा को लेके, क्योंकि मम्मा एक दिन पहले ही रक्षाबंधन मना रही हैं। फिर हमारे घर पे भी हमारी बुआ आएंगी और भी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो दिव्यांश हाय बोलो। तो आज दिव्यांश ने कहा है कि ये मेरे को हेल्प करेंगे ब्लॉग करने में और देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या क्या रहता है, आज कहाँ कहाँ जाते हैं। फिलहाल तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं अग्रवाल पर, क्योंकि मम्मा को स्वीट्स लेनी है। उन्होंने कहा भाई मैं अपने भाइयों के लिए खुद से देख के लूँगी, जो स्वीट उन्हें पसंद है या खाएँगे वो लोग। तो इसी के लिए हम भी खड़े हैं और देखो मास्क एरा हमारा अभी उतारा है, जस्ट इसीलिए कि यार ब्लॉग करना है ना, थोड़ा ब्लॉग के लिए समझो, है ना भाई। तो चलो गाइस, हाँ ताकि आप हमारे चेहरे देख सको। तो जल्दी से मिलते हैं आपको आगे पहुंच के, सीधा रास्ते में दिखा दे भी थोड़ा बहुत, दिखा देंगे। चलो रास्ता भी दिखाई देंगे, ठीक है। तो रास्ता दिखाते हैं और बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। कहने को इसके बाल हाइलाइटेड है और कहने को ये मैडम अभी जस्ट आके यहाँ पे हमसे भीख मांग रही है। भाई साहब वो कोई फर्क ही नहीं है, पानी पी रहे हैं। तो ऐसे देखो ये चीज थोड़ी सी गलत है, मतलब वो क्या, वैसे तुम बाल हाईलाइट करा घूम रहे हो, तुम अच्छी जगह पे खा रहे हो, अभी यहाँ से समोसा खा गई है अग्रवाल से, फिर आइए यहाँ पे भीख मांगने। फिर से आगे मैं दिखाऊँ इसके बाल हाईलाइटेड है। फोकस फोकस देखो। अरे अंकल ये भाई सभी आज ही आएंगे आगे, ये देखो इसके बाल हाईलाइटेड है और फिर इन्हें भीख भी चाहिए थोड़ी सी। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ बस वो होते हैं ना वो इमोशनल लोग, उनकी वजह से लोग बिगड़ रहे हैं। अरे भैया पानी पी लो, अपने आप पानी पी लो, हम बाद में ही करें। ये हो रहा है कुछ हाल पानी का, जरा फर्स्ट एड में कर देते हैं। कुछ नहीं, कुछ ज्यादा ही। तो भाई बारिश कुछ ज्यादा आई नहीं है और दिल्ली आधे ज्यादा डूब गई। और मम्मी क्या हाल है? तो मम्मी क्या क्या लिया है आपने, सामान ले लिया सारा, सही सही मिल गया? कैसे कैसे जा रही हो आज, क्या क्या करना है? थोड़ा तेज बोल लो आवाज नहीं है। अरे बना लेना। अरे 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 तो ये मम्मी हमारी थोड़ी शर्मा रही है। डुगू नानी ऐसे कैसे शर्मा रही है आज? ऐसी नानी को व्लॉग अच्छी लगता, पता नहीं मेरे को ये लग रहा है। अरे 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 चलो ठीक है, यहाँ तो पानी भर गया भाई, यहाँ तो बहुत ज्यादा पानी भर चुका है। थोड़ी सी रात भर बारिश आई तो इतना पानी भर चुका है कि अगर कोई आदमी पैदल निकले तो उसके घुटने तक। अरे वो देखो भाई स्कूटी डूब गई। ओ भाई हमारी गाड़ी वो तो अच्छी है थोड़ी सी, मतलब ज्यादा स्विफ्ट भी रही है। ओ माय गॉड डर जाएंगे लोग, बहुत बेकार है यहाँ, पानी के निकलने की जगह ही नहीं है। ये जस्ट हमारे घर के पीछे का ही हाल है, थोड़ी सी ज्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है। देखो भाई और यहाँ पे हद से ज्यादा पानी है। अब वही है, एक तो लोगों में ना चलाने का सेंस नहीं है, खड़े हो जाएंगे बारिश के पानी में रोक के, अरे यार चलो तुम, हम भी निकल जाएंगे, सब निकल जाएंगे धीरे धीरे। रोकने वाला सीन गलत है ये गाड़ी का। मामा ये तो दिखाओ कि इतना पानी भर चुका है, इतना पानी भर चुका है कि बुलेट और स्कूटर डूब भी चुकी है ऐसे। ऐसे ये देखो इन्हें निकलना पहले, जहां से बुलेट का धुआं निकलता है ना वहां तक डूब चुकी है। साइलेंसर कहते हैं बेटा उसको। बेल्ट क्यों उतार रहा है भाई? डुगु रिएक्शंस हां बताइए, आप कैसा लग रहा है आपको ये पानी भरा हुआ? मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो हमारी गाड़ी है उसके टायर ना नदियों के अंदर तक भर चुके हैं। कुछ नहीं हो रहा, अपना आराम आराम चलते रहेंगे, बस रुकना नहीं है। रुक के भी खैर अभी तो नहीं है, ऐसा तो कुछ हो रहा है चाहिए नहीं, बट आप देख सकते हैं कितना पानी है। रोड नीचे लगती है लेकिन अभी रोड ऐसी लग रही है कि बस यही है, पानी ऊपर आ गया हमारे मुंह पे। हम यहां से यू टर्न लेंगे क्योंकि अंदर ना और ज्यादा पानी भर रहा होगा और मैं वहां से निकलना चाहता नहीं हूं, वहां गड्ढे हैं। डुगू चुप, थोड़ा सा एक बार, सारी गाड़ियां डूब रही हैं, कुछ नहीं होएगा, लेकिन टेंशन मत लो ना, चुपचाप बैठे रहो, आराम आराम से निकल जाएंगे। बस ये बस कुछ बेवकूफ लोग हैं जिनकी वजह से जाम है। डुगू पकड़ियो भाई, लोग जाम लग रहा है बहुत ज्यादा। हम खड़े हैं यहाँ पे पिछले 15-20 मिनट से आराम से ऐसे एक ही जगह पे, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बारिश हो रही है ना तो एक ही जगह पे खड़े हैं, है ना दिव्यांश? यार मैं तो बेचारे की सोच रहा हूँ स्कूटी बंद हो गई है यार,
कैसे करेंगे बेचारे। और मैं तो उन साइकिल वाले रिक्शा लोगों की सोच रहा हूँ, बेचारे वो कैसे कर रहे होंगे मैनेज, पता नहीं यार। तो एक बार दिखाई देते हैं नीचे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर ये ट्रैफिक चल क्यों नहीं रहा, क्या दिक्कत आ गई है, कौन फंस गया है, कौन क्या हो गया। यहाँ बस खड़ी है, हम खड़े हैं, हम निकलने के लिए तैयार है, वो निकलने नहीं दे रहा। तुम कहाँ हंस रहे हो बे, तुमको ज्यादा हंसी आ रही है? मैं तो दादा मास्क लगा रखे हैं, फिर भी इनका सुनाई दे रहा है मेरी हंसी। चलो तो भाई जाम लगे लगे हम बड़ी मुश्किल से मेन रोड पे आए हैं जहाँ पे पानी नहीं है और लड़का हमारा सो चुका है। दिव्यांश सो गया भाई? तो ये भी थक गया यार सोता सोता। अब बताओ, मम्मी परेशान हो गई हमारी, कह रही यार हम तो कहाँ आधे घंटे पहुँच जाते थे, कहाँ हम एक घंटा एक ही जगह पे खड़े रहे हैं सिर्फ पानी बारिश और नियमों की वजह से। आप लोग देख लें, बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के आए हैं, एसी की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। और अब यहाँ पर रेड लाइट है फिलहाल, तो यहाँ पे शायद सेटिंग्स है, तो अभी बस यहाँ पे थोड़ा सा यही है, रेड लाइट का ट्रैफिक है। और दिव्यांश उठ चुका है, तो बताओ भैया कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? फिलहाल तक दोपहर हो गई है, सुबह निकले थे हम। हाँ, आज का दिन ऐसा लगा कि जैसे हम कोई बीच पे आए हैं और गाड़ी हम लेके बीच में घुस गए हैं, बीच में घुस गए हैं पानी में घुस गए हैं और आज भी हम बैठे हैं। ओके, तो ऐसा रहा आज का दिन आपका, मतलब खराब खराब सा, बोरिंग। चलो ठीक है, अब जो भी है। अब ये दोनों पुलिस वाले थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई क्या क्या हो गया, कैसे हो गया, सब परेशान। ट्रैफिक से जूझते जूझते अब हम आने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन के आसपास। और अभी तो यहाँ तो अब देखो खुला खुला है रास्ता, लेकिन यहाँ पे भी यार तो एक है, क्या था ये? तुम्हारा कैमरा जो फोकस थोड़ा मंदा कर रहा है, देखना पड़ेगा, सर्विस करानी पड़ेगी इसकी, देखते हैं। तो अभी हम आ गए हैं आसपास ही, है ना भाई डुग्गू? तो इसका नाम घर का डुग्गू है, कमेंट पर डुग्गू डुग्गू लिख देना। क्यों डुग्गू? नहीं चलो मत लिखना यार, दिव्यांश तिवारी लिखना। नहीं नहीं ये मत लिखना है, मैं नो तक दिव्यांश तिवारी लिखना है, लेकिन तिवारी मत छोड़ना, दिव्यांश तिवारी एक साथ लिखना, दिव्यांश मत लिखना, तिवारी मत छोड़ना। अरे तिवारी छोड़ा तो चलो चलो ठीक है, अब जो भी बात है, अभी हम चल रहे हैं अपना मंदा मंदा, कोई ज्यादा तेज चल रहे हैं। अरे यार ये कैसे चल रहा है बार-बार अपने आप। चलो कोई बात नहीं, अभी पहुंच के बातें करते हैं वहीं पे। तो भाई जी देखो ऐसा है, अब हम बिल्कुल अपनी डेस्टिनेशन के कुछ ही किलोमीटर दूर हैं। और दिव्यांश अपना यार एक्सपीरियंस तो बताओ आज का तुम्हारा, मतलब वो गाड़ी में जब पानी वानी भरा क्या रहा, फिर तुम्हें क्या लगता है उसका? मैं एक बार बता चुका हूं। मैंने सुना नहीं, एक बार और बता दो, वो मैं कट कर दूंगा। अब बताओ क्या करोगे तुम, फिर से बताओ। मेरे को ऐसा फील आया कि हम समुंदर के पार हैं और ऐसा लग रहा है कि हम डूबने वाले हैं उसके नीचे, और गाड़ी पूरी मतलब समुंदर है, गाड़ी पूरी उसके अंदर ही डूब चुकी है, ऐसा लगा। अच्छा ऐसी है। और ये क्या कहते हैं जो ट्रैफिक वाला सीन था? ट्रैफिक वाला सीन तो और भी ज्यादा गंदा था, पर ये था जल्दी खत्म हो गया। पर ये ज्यादा करके हम पानी में फंसे वो गलत था, है ना? पर ये है कि गुस्सा बहुत आया मामा को, इतनी गालियां, गंदी बात नहीं कहते, गंदी बात पागल है तो पिटवा देगा यार। मैं कोई गाली वाली नहीं देता, ये देता गाली, ये दे रहा था जीजू देख लो ये गाली देता है, मैं नहीं दे रहा था कोई गाली। चलो ठीक है मेरे। सो भाई लोग अभी मैं आ चुका हूँ मेरे नानी के घर पे। दिव्यांश आप अगर चाहें तो अपना आप मास्क उतार सकते हैं, जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं और अपना मास्क नहीं उतार रहे, तो देख सकते हैं। देखिए ये ना यहाँ पे इन्होंने कूड़ा कचाड़ा कर रखा, लेकिन ये ऑफ रोड हो जाती है और आगे सारे खेत हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा डुगू है। और अब हम अंदर जा रहे हैं क्योंकि हमें लग रही बहुत जोरों की भूख, जो कि खाना खा के बैठेगी। तो खाना खाते हैं, मिलते हैं डुगू। खा लोगे ना खाना, छोले भटूरे? तो भाई लोग ऐसा है अभी मैं बस गाड़ी में आके बैठ गया हूँ, क्योंकि यार अभी मम्मी तो अपना वो जो भी है राखी वगैरह देने गई हुई है। दिव्यांश अपने मामाओं के साथ खेल रहा है, जो उसकी एज के मामा हैं यहाँ पे, मतलब सच में उसकी एज के उसके मामा हैं या फिर उससे भी छोटे हैं उसके मामा। तो मैं थोड़ी देर गाड़ी में आके बैठ गया अपना, काफ़ी ज़्यादा गर्मी सी हो रही थी बाहर, और मौसम देख रहे हो, मौसम फिर से हो गया बारिश का यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद फिर से बारिश आने वाली है। ओ मैंने ज़ूम इन कर दिया था।
तो अभी का अपडेट ये है, मैं अंदर कैमरा यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि ये लोग थोड़े फैमिलियर नहीं हैं एंड दे डोंट वॉन्ट मी टू शूट दैम, दिस इज़ वाई. सो दिस इज़ द अपडेट ओनली विच आई हैव फॉर यू एंड देखते हैं थोड़ा अगर हुआ तो अंदर शूट कर लेंगे, क्योंकि अभी तो मैं हूँ शाम तक यहाँ पे, और फिर चलेंगे अपने घर, मौज करेंगे, कल अपना शूट करेंगे जब हमारे राखी बंधेगी. तो भाई लोग देखो बारिश आ गई है और मैंने कहा चलो बारिश आ गई तो थोड़ा सा एक बार कार में चलते हैं, घूम घाम के आ जाएंगे. और ये मेरे साथ है मेरा मामा का बेटा और दिव्यांश. तो चले भाई थोड़ा सा घूम के आ जाएं. चलो तो थोड़ा सा घूम के आते हैं और बारिश के मज़े लेके आते हैं. और वही यार देखो गाँव है तो गाँव की थोड़ी फील आएगी यहाँ पर बारिश में. यार ये ना कितना सेक्सी लग रहा है, वाह. तो भाई देखो बारिश के मज़े लेते लेते हम तो यहाँ पर आ गए कहीं आस पास में. और मतलब मैं थोड़ा सा रुक गया, मैंने कहा ठीक है थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है तो रोक लेते हैं. क्या कह रहे हो दिव्यांश? तो ये भाई लड़का बहुत समझदार है, ऐसा मत मानना है इसको, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, अच्छा समझदार बच्चा है. तो लक्की भाई ये बताओ कहीं चाय पकौड़े का इंतजाम घर पे ही करोगे या फिर यहाँ पे कहीं हो सकता है? घर पे कर देंगे भाई, हम तो भाई घर पे करेंगे. तो यार मेरा मन तो है कि कहीं बाहर इसी मौसम में, मतलब है तो देखो वहाँ पे भी ऐसे कि वहाँ खेत वगैरह हैं, अगर हम चाहे तो वहाँ बैठ के भी खा सकते हैं. बट मैं देखता हूँ अगर बाहर से कुछ मिलता है तो बाहर से लेके चलते हैं. मेरा मन कर रहा है यार कुछ चटपटा सा ना, मतलब मौसम के हिसाब से खाने पीने का. तो चलते हैं. और लड़के का चैनल है हमारे का क्राफ्ट एंड टेक, इसके चैनल का लिंक मैं एक बार डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना आप लोग ज़रूर से. और बाकी दिव्यांश बोर हो रहे थे यार आप? हाँ बोर हो रहे. ये दांत खा गया आपका? दांत उतारे हैं. मिलते हैं जल्दी से. क्या नाम बोलो? तो भाई अभी हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ. रुक जा यार, करने थोड़ा सा व्लॉग व्लॉग. तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं और बारिश आप लोग देख लो कैसी हो रही है. अब ये था यार सुबह भी ऐसे ही फंसे थे तो मैंने कहा ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए हम निकल जाते हैं फटाफट से टाइम टू टाइम. और वो ये यहाँ पे थोड़ा गांव है तो ज़्यादा बारिश होगी. बाकी अंदर मैंने वहाँ पे शूट कराया नहीं, खाया पिया. और ये मेरी चेंज हो गई है क्योंकि मेरी शर्ट जो है वो पूरी भीग चुकी थी अच्छे तरीके से. तो मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ से टी शर्ट ले लेता हूँ, चलते हैं हम घर और देख लो क्या सेक्सी मौसम हो रहा है. सर मौसम देखो क्या सेक्सी हो रहा है. ऐसा लग रहा है यहीं कूद जाओ. ऐसा लग रहा है यहीं कूद जाओ. कूदना क्यों है? लेकिन जब बारिश हो रही थी तब ऐसा लग रहा था कि यहाँ से निकल. अब तो यार गाड़ी में तो सेफ है तो ठीक है. और अब की बार मैं अंदर अंदर वाले ट्रैफिक में नहीं फंसने वाला. अब मैं सीधा सीधा रोड टू रोड जाऊंगा, कहीं अंदर नहीं फंसने वाला हूँ जो पिछली बार फंसे थे. ठीक है, मम्मी अपना सामान देख लिए, बहुत सारा सामान लाई है. धन्यवाद. जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, ट्रैफिक मिल गया. हम लोग ट्रैफिक में खड़े हैं और मेरे बाल अभी तक गीले हैं. दिव्यांश को नींद आ रही है फिर से, सुबह आते भी सो गया था और अब भी सोने के विचार हैं आपके? थक गया ये बेचारा. चलिए तो है ये, बस घर जाके मिलते हैं या फिर रास्ते में कुछ होता है तो कोशिश करते हैं कि आपको दिखा पाए. देख सकते हो आप लोग कितना पानी भर गया है यहाँ पे भी. यही है तो यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है उस वजह से जाम रहता है. और उसके बाद बारिश भी हो गई है, बारिश का पानी भर गया है. नेक्सॉन अच्छी गाड़ी है, सही परफॉर्म कर रही है, लेकिन मैं ऐसे जाना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से जैसे फॉर्चुनर जा रही है. बट आई डोंट थिंक, देख देखिए आया, देखो ये होता है. सो अगर मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, पकड़ो भाई डुब्बू कैमरा पकड़ो, चलिए ये रिकॉर्डिंग. ये हम गए अभी देखना, क्यों फंसे रहे ना? देखो इधर दिखाओ मेरे को, हमने निकाल ली, हम भी निकल गए. बड़ी गाड़ी का ये फायदा होता है, लेकिन मम्मी डर रही थी मेरी थोड़ी सी. अब बस यहाँ आ गया. मम्मी फम्मी को डरने दो, चलो छोड़ो. बड़ी मुश्किल से इस ट्रैफिक को क्लियर करते हुए हम बाहर आ गए हैं ट्रैफिक से,
क्या ये तो भाई गेम में लग रहा है, इसको देखो ये बंदा फोन चला रहा है, फोन में लगा हुआ है अपना बढ़िया मजे में, और हम लोग यहाँ ट्रैफिक से लड़ रहे हैं। हम लोग क्या, मैं ही लड़ रहा हूँ, मम्मी पीछे आराम कर रही है। बस वालों को बहुत जल्दी होती है भाई, प्राइवेट वालों को तो ज़्यादा। तो फाइनली लड़ते झगड़ते हम लोग पहुँच गए हैं घर पे वापस। दिव्यांश एक बार आ जाना यार, क्यों वो उंगली कर रहा है। तो अब हम लोग घर पे आ गए हैं यार। तू बता भाई कैसा रहा आज? आज मेरे को ऐसा लगा कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार कुछ अलग सा ही फील आ रहा है। भाई साहब इतना ट्रैफिक, और मतलब ये ट्रैफिक जो होता है ना, ट्रैफिक तोड़ देता है। आप अगर एक घंटे की नॉन स्टॉप ड्राइव कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो ट्रैफिक होता है ना वो तोड़ देता है। और आई थिंक ये व्लॉग लंबा हो गया होगा, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हेयर। यहाँ तक देखा है तो पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा। आगे की बातें अगले व्लॉग में करेंगे। और कोशिश थी कि हाँ एक ट्रिप पे जाया जाए, बट कुछ चीज़ें अबड़ खबड़ हो गई। देखते हैं कब जाते हैं उस ट्रिप पे। मामा को ऐसा लगा कि हम ऐसे व्लॉग बनाते जाएंगे और अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसी कीचड़ हो गई थी उस टाइम, सारा व्लॉग कीचड़ कीचड़ हो गया है ना, और कुछ मन में नहीं कर रहा था कि व्लॉग करें, लेकिन इतनी कीचड़ कीचड़ हो गई थी। चलो कोई नहीं, बाय कर देते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।